क्रिसमस तो बीत चुका है, लेकिन क्रिसमस की खुशियाँ आपके साथ हमेशा रहें, यही हमारी दुआ है। क्रिसमस त्योहार है ढेर सारी खुशियों, मौज मस्ती, सांता क्लॉज के अनोखे तोहफों और मोहब्बत का। फिर चाहे मदर मेरी और जीसस का प्रेम हो या फिर राधा कृष्ण का, प्रेम तो हमेशा अनोखा होता है। राधा कृष्ण के प्रेम पर रची एक नृत्य नाटिका पेश की हेमा मालिनी ने। राधा कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम और हेमा मालिनी के भाव, रंग तो जमना ही था। राधा कृष्ण के भावपूर्ण प्रेम प्रसंग, गोपियों की राधा से चुटीली छेड़छाड़, या फिर कृष्ण प्रेम को आत्मा में बसाती राधा, इस नृत्य नाटिका का हर प्रसंग एक आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण था। हो भी क्यों ना, हेमा मालिनी जैसी सशक्त अभिनेत्री और नृत्यांगना यदि किसी प्रस्तुति से जुड़े तो परिणाम भाव विभोर करने वाला होगा ही। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर केंद्रित इस नृत्य नाटिका का मंचन पहली बार कलकत्ता में हुआ था। देश भर में अब तक इसके 30 शो हो चुके हैं। हेमा मालिनी हमेशा से ही अभिनय के अतिरिक्त अपने शास्त्रीय नृत्यों के लिए भी जानी जाती रही हैं। हेमा मालिनी ने शास्त्रीय नृत्यों के जरिए धार्मिक कथाएं मंचित करने के कुछ प्रयास पहले भी किए हैं। दुर्गा मीराबाई उनकी कुछ यादगार नृत्य नाटिकाएं रही हैं। इसी थिएटर में मैंने कुछ साल पहले मीरा बैले डांस प्रेजेंट किया था। अभी मैं राधा कृष्णा कर रही हूँ। तो एवरी ईयर आई कीप प्रोड्यूसिंग न्यू डांस बैले फॉर द स्टेज प्रेजेंटेशन। राधा कृष्ण बैले की परिकल्पना, निर्देशन और वस्त्र विन्यास भी हेमा मालिनी का है। इस नाटिका में राधा की भूमिका में स्वयं हेमा मालिनी थी और कृष्ण की भूमिका राहुल डिसूजा ने निभाई। पूरी नृत्य नाटिका में हेमा मालिनी ने न सिर्फ अपने पद संचालन और भावों की कुशलता दिखाई बल्कि निर्देशन पर भी अपनी पकड़ बरकरार रखी। हेमा दिल आशना है और टीवी धारावाहिक नूपुर के जरिए अपना निर्देशन कौशल तो दिखा ही चुकी हैं। अब नृत्य नाटिका के जरिए उन्होंने मंच पर भी अपने निर्देशन का झंडा गाड़ दिया। हेमा मालिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने फिल्मी अभिनय के साथ साथ अपने शास्त्रीय नृत्य के शौक को भी बनाए रखा। लेकिन हेमा आज फिल्मों में शास्त्रीय नृत्यों के घटते महत्व से चिंतित हैं। फिल्मों में थोड़ा बहुत इन द बिगिनिंग काफी महत्व देते थे, अभी तो ग्रेजुअली काफी वेस्टर्नाइज कर चुके हैं। तो जब मैं भी कर रही थी उस वक्त काफी बदलाव आ चुका था। सो नाउ अभी तो कुछ है ही नहीं भरतनाट्यम, आई मीन नॉट एनी क्लासिकल डांसेस, दे डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू डांस। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग न सिर्फ हमारे धर्म बल्कि कला और साहित्य का भी एक अहम हिस्सा है। इसके मंचन में जिस लय, रस और कलात्मकता की जरूरत थी वह इस नाटिका में देखने को मिला। खूबसूरत भाव, सधी हुई नृत्य मुद्राएं, सटीक मंच संचालन और मंत्रमुग्ध करते छंद, सभी कुछ हेमा मालिनी के व्यक्तित्व के अनुरूप ही था। इस नृत्य नाटिका ने साबित कर दिया कि हेमा मालिनी सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक समृद्ध कलाकार भी हैं। क्रिसमस अगर दिलों को जोड़कर प्रेम का रूप देने की कला है तो